क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर देश को शक्तिशाली कर रही मोदी सरकार। हर रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, महंगाई पर प्रदर्शन से पहले बोले राहुल गांधी। मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट, देश में संक्रमण के दो और मामले हुए दर्ज। पार्थ चटर्जी को लेकर पूर्व टीएमसी नेता बैसाखी बनर्जी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कहा लोगों को शिक्षण संस्थानों में मिली डायरेक्ट एंट्री। कोट्टायम जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव, सरकार ने संक्रामक रोगों को लेकर दी चेतावनी। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल पर दिखाया जा रहा भारत का गलत नक्शा। बिहार में अवैध शराब के खिलाफ चार जिलों का ज्वाइंट ऑपरेशन, पकड़े गए 60 पियक्कड़ और तस्कर। कोरोना वैक्सीन पर भड़के स्वामी रामदेव ने कहा वैक्सीन के नाम पर बेवकूफ न बनाया जाए। बिहार में जेडीयू दे सकता है भाजपा को बड़ा झटका, ललन सिंह बोले आगे साथ चुनाव लड़ना तय नहीं। कबाड़ नहीं होंगे पुराने वाहन, दिल्ली सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर लैंडस्लाइड, टाई ट्रेन के इंजन पर गिरे पत्थर, कई घंटे अटकी रही 100 यात्रियों की सांसें। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश और आंधी को लेकर मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। रेडवानी कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। यूटी घोषणा दिवस मना रहा लद्दाख, दलाई लामा की मौजूदगी में लेह के सिंधु घाट में लहराएंगे तिरंगे। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अमेरिका में रह रही पार्थ चटर्जी की बेटी और दामाद को किया तलब। आगरा में भाजपा कार्यकर्ता ने चांदी व्यापारी को गोली मारी, सिर किया धड़ से अलग। बिजली विभाग का कारनामा, 1.32 करोड़ रुपए शुल्क जमा कराने के बाद भी नहीं दिया कनेक्शन, 2 अभियंताओं को मिला आरोप पत्र। अक्टूबर में शुरू होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य, 45 मिनट में तय होगी 63 किलोमीटर की दूरी। लखनऊ के बाल गृह में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की विशेष पहल, फ्री में दी जा रही ब्यूटीशियन कोर्स की ट्रेनिंग।
आवास विकास का स्वतंत्रता दिवस पर खास तोहफा, यूपी के 3 जिलों में पूरा होगा घर का सपना। बदायूं में नाचते गाते कांवड़ियों के साथ हादसा, सड़क हादसे का शिकार हुई कांवड़ियों की यात्रा। बदायूं में आगामी त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधिकारियों ने किया बैठक का आयोजन, बैठक में धर्म गुरुओं के साथ पुलिसकर्मी रहे मौजूद। बरेली में परिवार को बंधक बनाकर डकैती, 20 मिनट का वक्त 1 लाख की लूट। बरेली में पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब, पुलिस ने पति को सीएचसी भेजा। बुलंदशहर में बिजली घर पर किसान यूनियन का हल्ला बोल, अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। फरुखाबाद में पिटाई से घायल हुए युवक की मौत, मृतक का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की बड़ी मुश्किलें, एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ा झटका। कानपुर में द वीक में छपी भगवान शंकर की अश्लील तस्वीर, मां काली की भी तस्वीर छपी, हिंदुवादी नेता प्रकाश शर्मा ने जताया विरोध। कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, कैमरे से की जा रही निगरानी। औरैया में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से हुई बेहतर, इलाज के लिए मौजूद हैं अत्याधुनिक मशीनें। बदायूं में ट्रक अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा, मलबे में तब्दील हुआ गरीब का आशियाना, जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग। युवक की चाकू मारकर की गई हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में एयर एशिया इंडिया का उद्घाटन सीएम ने किया, एयर एशिया की उड़ान का उद्घाटन, यूपी में बन रहे हैं 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल में हर बीमारी की एक दवा, बुखार की गोली से हो रहा एलर्जी का इलाज। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना, 2 मासूम के साथ ट्रेन से मां ने कट कर दी जान। कांग्रेस नेता प्रयागराज में पुलिस हिरासत में, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट, महंगाई के खिलाफ राजभवन के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। गन्ने के खेत में मिला युवक का शव, गोंडा में नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मेरठ के हस्तिनापुर में भाजपा किसान मोर्चा का 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग शुरू। सीएम योगी की नाराजगी के बाद यातायात प्रबंधन में जुटे अधिकारी, बड़े अफसरों का भी तय होगा उत्तरदायित्व।
गाजीपुर में सपा सुप्रीमो पर ओपी राजभर का जुबानी वार, सपा को भाजपा का सपोर्टर बताया। गाजियाबाद मसूरी थाने का वीडियो बनाना पड़ा महंगा, वीडियो बनाने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। हरदोई में महिला ने सपा जिलाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, काम करने वाली महिलाओं पर रखते हैं गंदी नजर। हरदोई में भाभी के साथ देवर ने की जबरदस्ती, पीड़ित मां बेटी ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की मंडल अध्यक्ष बैठक, जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की जानकारी जानी। राशन की दुकान पर सस्ते गेहूं चावल के साथ ही अब मिलेगा सस्ता इंटरनेट, देहरादून में शुरू हुई पीएम वाणी योजना। देहरादून का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खतरे की जद में, मानकों को ताक पर रखकर बदला जा रहा था स्वरूप। सतत विकास लक्ष्य की दौड़ में नैनीताल जिला प्रथम, 54 अंक लेकर उधम सिंह नगर जिला सबसे नीचे पहुंचा। उत्तराखंड में पहली बार दिखा दुर्लभ व्हाइट लिपर्ड पेट वाइपर, इसका जहर अवैध तरीके से बेचते हैं वन्य जीव तस्कर। कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने किया राजभवन कूच। सार में विसंगतियों और मनमानी पर मुख्य सचिव नाराज, अफसरों को नियमानुसार तबादले करने के निर्देश। उत्तराखंड के 6 जिलों में बहुत भारी बारिश का येलो अलर्ट, 21 स्टेट हाईवे समेत 195 सड़कें बंद। यूपीसीएल के रुद्रपुर डिवीजन के ईई समेत 4 कर्मी सस्पेंड, पिछले साल भर के बिल भुगतान के दोबारा जांच करने के निर्देश, ऊर्जा निगम को लगाया था चूना। कोटद्वार दुगट्टा के पास हाईवे पर गजराज का कब्जा, पिकअप से चट कर गए अनाज, 6 घंटे लगाया जाम। सार में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। देहरादून में कार में छुपा रहा सांप, 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया सांप। उत्तराखंड के सोनी में तैयार हुआ देश का पहला हिमालयन स्पाइस गार्डन, जिसमें खेतों में पैदा होने वाली विभिन्न प्रजातियों को किया जाएगा संरक्षित। उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा, सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने के निर्देश। देहरादून में 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ आप कार्यकर्ताओं ने निकाला तिरंगा यात्रा। कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर यहां बन रही देश की सबसे लंबी डबल ट्यूब रेल सुरंग, जर्मनी से मंगाई गई है मशीन। दक्षिण कोरिया के एक अस्पताल में लगी आग, 5 लोगों की मौत, 37 हुए घायल।
ताइवान को अलग थलग करने की योजना को कभी पूरा नहीं होने देगा अमेरिका, नैंसी पेलोस ने दिया ये बयान। तालिबान शासित अफगानिस्तान में बर्बरता जारी, चार लोगों के समूह ने एक व्यक्ति को जिंदा जलाया। ताइवान जापान पर घातक मिसाइल गिराकर भड़ास निकाल रहा चीन, निशाने पर है अमेरिकी मित्र राष्ट्र। मिनेसोटा के मॉल ऑफ अमेरिका में भीषण गोलीबारी, देखती रह गई पुलिस, पैदल ही भाग गया हमलावर। लैंसेट की एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, आठ में से एक रोगी में लंबे समय तक कोविड के लक्षण होते हैं विकसित। सुर्खियों में आया यूएस का थार मिसाइल सिस्टम, रूस S-400 से है ज्यादा ताकतवर थार। चीनी मिसाइलों के जापान के EEZ के गिरने की आशंका, पीएम ने कहा सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या। जवाहरी पर अमेरिकी ड्रोन हमले ने पाकिस्तान की संभावित भूमिका पर उठाए सवाल। अमेरिका में मंकी पॉक्स से हड़कंप, हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान, 6600 से ज्यादा मामले आए सामने। LIC फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल, रिलायंस ने लगाई 51 स्थान की छलांग। वैगनआर का नया मॉडल लॉन्च, बेहद शानदार है नई कार, कई फीचर्स से है लेस। रिलायंस ब्रांड लिमिटेड सुपर लग्जरी ब्रांड बैलेंसिएगा को भारत में बेचेगा, दोनों के बीच हुआ करार। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया रेपो रेट, महंगा होगा लोन, बढ़ती है EMI। एयरटेल इस महीने से शुरू करेगी 5G, कंपनी ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग से मिलाया हाथ, जियो 15 अगस्त को सर्विस कर सकता है लॉन्च। अडानी इंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट 73% बढ़ा, रेवेन्यू 225% बढ़कर 40,844 करोड़ रुपए हुआ। मारुति लॉन्च करेगी बलेनो बेस्ड कॉम्पैक्ट SUV, ब्रेजा से भी कम होगी कीमत। होम और कार लोन हुआ सस्ता, बैंक ने पेश किया मॉनसून ऑफर। निर्मला सीतारमण से राघव चड्ढा ने मुलाकात की, स्वर्ण मंदिर के पास वाले सरायों में GST हटाने की मांग रखी। OnePlus 10T स्मार्टफोन लॉन्च, 19 मिनट में होगा फुल चार्ज, पहली सेल में 5,000 डिस्काउंट मिलेगा। वीजा मिलते ही चौथे और पांचवें मैच के लिए फ्लोरिडा पहुंचे भारत वेस्टइंडीज की टीमें। विराट कोहली एशिया कप में रोहित के साथ कर सकते हैं ओपनिंग, पूर्व विकेट कीपर पार्थिव पटेल का बयान।
हार्दिक पांड्या के लिए अच्छी खबर, बीसीसीआई विश्व कप के लिए बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। न्यूजीलैंड पूर्व ऑलराउंडर ने भारतीय स्टार बल्लेबाज की टीम में जगह को लेकर उठाई गंभीर और कहा सवाल सीनियरों का बेहतर प्रदर्शन रुका तो होगी समस्या। बीसीसीआई की राह पर पाकिस्तान और श्रीलंका, खिलाड़ियों को लगेगा करोड़ों का झटका। शाकिब अल हसन की बड़ी मुश्किल, बीसीबी भेजेगा नोटिस, सट्टेबाजी से संबंधित स्पॉन्सरशिप डील करने की नहीं प्रदान अनुमति। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह के बेटे हैरी खेलेंगे इंग्लैंड के लिए, अंडर 19 टीम में हुआ चयन। रोहित शर्मा के लिए खास प्रण, दुनिया जीतने से पहले एशिया कप में लहराएंगे जीत का परचम। चौथे T20 मुकाबले में अवेश खान का पत्ता कटना तय, हर्षल पटेल को मिलेगा प्लेइंग 11 खेलने का मौका। जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा मुझे हरमनप्रीत कौर या स्मृति मंधाना बनने की जरूरत नहीं। ऋचा चड्ढा अली फजल की शादी की तारीख हुई पक्की, सितंबर के महीने में सजेगी एक्ट्रेस के हाथ में मेहंदी। लहंगा पहन राजस्थानी दुल्हन के अवतार में खूबसूरत दिखी झांसी की रानी फेम एक्ट्रेस। ब्लैक शिमरी साड़ी में चला दीपिका पादुकोण का जादू, फैंस ने दीपिका की खूबसूरती की तारीफ की। डिलीवरी से पहले ही खराब हुई सोनम कपूर की हालत, बेड से एक्ट्रेस ने शेयर की अपने पैर की तस्वीर। रक्षाबंधन की रिलीज से पहले फूट फूट कर रोते नजर आए अक्षय कुमार, फैंस की बढ़ी धड़कने। सलमान खान के शो बिग बॉस 16 में नजर आ सकती है फरमानी नाज, भाई ने किया बड़ा खुलासा। विवादों में मर्लिन मुनरो की बायोपिक, जिस सीन से हिट हुई उसे देखकर पति ने की थी पिटाई, प्रेसिडेंट से रहा अफेयर, संदिग्ध हालत में हुई मौत। करण मेहरा ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, एक्टर ने कहा मुंह बोले भाई से चल रहा निशा रावल का अफेयर, दोनों 14 महीने से मेरे घर में रह रहे हैं। ट्विनिंग करते नजर आए विरुष्का, विराट के साथ फोटो शेयर कर अनुष्का बोली हमेशा से क्यूट बॉय के साथ एक बैंड करना चाहती थी शुरू। किंग खान का एयरपोर्ट लुक आया सामने, आर्मी प्रिंट जैकेट में स्पॉट हुए शाहरुख खान, फैंस ने उनके स्टाइलिश लुक की तारीफ की। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।